वीडियो ऑन करके दिए तुम ध्यान देखिए, संयुक्त सचिव के पद पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और पूरे जुनून के साथ और समर्पण के साथ ये चुनाव होगा। और चुनाव में अगर हमें, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, अगर मौका हमको देंगे तो प्रेस क्लब की सूरत और सीरत बदलनी है, प्रेस क्लब में सुविधाएं बढ़ानी है, प्रेस क्लब को पत्रकार के परिवार उपयोगी बनानी है, यहाँ कम से कम पैसे में भोजन, नाश्ता और तमाम तरह की सुविधाएं मिले, बाज़ार मूल्य से काफ़ी कम हो, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। और जिस तरह से झारखंड विधानसभा में 30 रुपये में खाने का प्लेट मिलता है, यहाँ भी अगर मुझे मौका मिला तो 30 के बजाय 25 रुपये का प्लेट यहाँ पर मिलेगा और 25 रुपये के प्लेट में रिपोर्टर्स थाली मिलेगी। और जो बाहरी जो व्यावसायिक चीज़ है, व्यावसायिक चीज़ों का हम लोग कम से कम इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारों के लिए यहाँ प्रेस क्लब बन सके। और प्रेस क्लब में ये केवल शादी और ब्याह करने वाला जगह नहीं हो, बल्कि पत्रकारों की बेटियां, अगर किसी बेटी की शादी हो या उनके परिवार के फंक्शन हो तो निःशुल्क उनको मुहैया हो। और यही हमारी प्राथमिकता है कि सरकार से अगर मौका मिलेगा तो सरकार से यहां धन ला कर देंगे और सारी चीज़ों को सब्सिडी में यहां पर प्रेस क्लब के माध्यम से पत्रकारों को उपलब्ध होगी। यही हमारी जो हमारा संकल्प है और यही चुनाव लड़ने की इच्छा भी है। हो गया। क्या चाहते हैं? देखिए, मैंने जितने उम्मीदवार अभी तक नॉमिनेशन किए हैं, नामांकन किए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि सभी ने एक स्वर में कहा कि हम यहाँ पर प्रेस क्लब में एक व्यवस्था बनाएंगे, सुविधाएं बहाल कराएंगे। ये बहुत अच्छा लगा कि इसको परिवार से जोड़ने लायक बनाएंगे कि सभी पत्रकार के लोग इंजॉय करेंगे तो ये। और बहुत लोगों ने कहा कि ये एक बौद्धिक संपदा का केंद्र भी बनेगा, इसलिए सबके इरादे बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं। हम उनका जज्बा को सलाम करते हैं कि सभी प्रत्याशी ने जिन भावनाओं के साथ खड़े हुए हैं, जीत हार अपनी जगह में है। प्रेस क्लब का कलर और कॉलर दोनों भी टाइट रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए ताकि लगे, दूर से भी लगे और एक दूर तक संदेश भी जाना चाहिए कि रांची का प्रेस क्लब जो है इंडिया में द बेस्ट है, इंडिया में द बेस्ट है, ये संदेश पूरे जाना चाहिए। यही मैं टिकट।